आज मैं आपको अनार निकालने का एक आसान तरीका बताऊंगी। पर अनार निकालने का रस निकालने से पहले मैं आपको अनार छीलने का भी एक आसान तरीका बताऊंगी। अनार का जूस निकालने के बाद जो दाने बच जाते हैं उन दानों का भी मैं यूज बताऊंगी। उसके बाद जो छिलका रह जाता है उसका भी मैं यूज बताऊंगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने एक मशीन ले ली है, अब मैं अनार का जूस निकालूंगी। अनार को बीच से कट करके इसके ऊपर रख दूंगी। हमें अनार को ऐसे बीचों बीच कट करना है और इस मशीन पे रख देना है। इसमें मौसमी का और संतरे का जूस बड़ी आसानी से निकल जाता है और हमें ये भी टेंशन नहीं होती कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। और हमें मशीन को ऐसे दबा देना होता है और नीचे एक गिलास रख देना होता है। देखिए पूरा का पूरा जूस इसमें निकल जाता है और जो थोड़े थोड़े दाने रह जाते हैं इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इन्हें सुखाने रख देंगे धूप में या पंखे में। तो इन्हें हम वेस्ट नहीं करेंगे, इनका हम अनारदाना पाउडर बनाएंगे। देखिए कितना फटाफट ये जूस निकल गया है। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये मशीन ले लीजिए, और नहीं है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ। मैं आपको अनार छीलने का एक आसान तरीका बताती हूँ जिससे आसानी से सारे दाने निकल जाएंगे। हमें ऊपर से कट कर देना है और इसकी साइडों से हमें निशान बनाने हैं, चार पांच निशान बना देने हैं, जिससे हमारी प्लेट भी लाल नहीं होती और हाथ भी गंदे नहीं होते। देखिए इसे हम ऐसे खोल देंगे और जो व्हाइट पोर्शन है हम थोड़ा थोड़ा हाथ से निकाल लेंगे। अब हम इसे पलट के इसे टैप करेंगे किसी स्पैटुला से या चम्मच की मदद से तो सारे दाने निकल जाएंगे आसानी से। देखिए इस तरह से हमने सारे दाने निकाल लिए और सारे दाने निकल चुके हैं। कोई एक दो रह गया है तो हम इसे हाथ से निकाल लेते हैं। बस सारे दाने निकल चुके हैं। अब इनका हम व्हाइट पोर्शन ये हटा देंगे। अब हमें इसे वेस्ट नहीं करना है, इसे हमें धूप में सुखा देना है जब तक ये पूरी तरह सूख ना जाए, या पंखे के नीचे सुखा देना है अगर धूप नहीं आ रही है तो। और इसे फिर ये हमारी सब्जी में काम आ जाएगा, जैसे चाय पत्ती से हमारे छोले में काला कलर आ जाता है, ऐसी इसको भी अगर एक डंडी इसकी डालेंगे तो इससे हमारा छोले काले हो जाएंगे और बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट देंगे। मैंने ये दो अनार के दाने निकाल लिए हैं, अब मैं इन्हें छलनी में डाल लूंगी और मैसर की सहायता से जूस निकाल लूंगी। दूसरा तरीका ये होता है। अब हम मैसर से इसे मैस करके इसका जूस निकाल देंगे। देखिए हम इस तरह से भी जूस बना सकते हैं और बच्चे को पिला सकते हैं। और इन दानों को, ये बीज जो बचे हैं, इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इन्हें भी पाउडर बनाने में यूज कर लेंगे, इन्हें सुखा देंगे धूप में। अगर आपको वो तरीका भी अच्छा नहीं लगता है तो आप एक सूती कपड़ा ले लीजिए और उसके ऊपर दाने रख दीजिए, इसको अच्छे से निचोड़ दीजिए तो सारा जूस निकल आएगा। ये देखिए हमारा सारा जूस निकल गया है। और आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उससे अनार का जूस निकाल सकते हो। जैसे हम सेब का जूस निकालने के लिए भी पहले सेब को कद्दूकस कर लेते हैं, उसके बाद भी उसे भी ऐसे निचोड़ लेते हैं कपड़े में, तो बच्चे आसानी से जूस पी लेता है। कई बार हमारे पास जूसर वाली मशीन नहीं होती जिससे सेब का भी जूस निकाल लें, अनार का भी जूस निकाल लें। तो सेब का जूस निकालने के लिए भी हम कद्दूकस कर लेते हैं और उसके बाद बच्चे को जूस पिला देते हैं आसानी से। आप बिल्कुल प्योर अनार का जूस मत पीना क्योंकि थोड़ी सी कड़वाहट होती है। अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और कड़वा भी नहीं लगता। अब इसमें हम थोड़ा सा सफेद नमक डाल देंगे, आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हो, और थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। अनार का जूस बनकर तैयार हो गया है। ये पीने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक लगता है और इस अनार में बहुत सी क्वालिटी होती है। ये हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखता है और ये थकान को भी दूर करता है। और आपने कहावत सुनी होगी,
एक अनार 100 बीमार। तो एक अनार जो है 100 बीमारी को दूर भगा देता है। अनार के ये जो दाने हैं वो हमारे 4-5 दिन में सूख चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धूप नहीं आ रही थी तो 4-5 दिन लग गए। अगर ये धूप आती है तो 2 या 3 दिन में भी सूख जाते हैं। इससे हम अनारदाना पाउडर भी बना सकते हैं और चूर्ण भी बना सकते हैं। अगर हमें पाउडर पाउडर बनाना है तो हमें ऐसे ही मिक्सी में चल कर लेना है और हमारा पाउडर तैयार है। फिर हम इसे छान कर यूज कर सकते हैं और इसमें कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं है और स्टोर करके रख सकते हैं। और ये छिलके हैं ये भी पूरी तरह से सूख चुके हैं, तो इसका क्या यूज करना है? ये मैंने इसलिए सुखाए थे कि आप अगर छोले बनाते हो, अगर इसकी 2 पत्तियां छोले में डाल देते हो तो नेचुरल कलर आ जाता है, क्योंकि चाय पत्ती से भी नहीं आ पाता। फिर उन पत्तियों को आप हटाकर अच्छे छोले बना सकते हो। अनारदाना चूर्ण बनाने के लिए कुछ चीजें मैंने ले ली हैं। ये जो दाने थे मेरे, ये 2 से 3 अनार के दाने थे, तो उसके लिए मैंने भी कुछ चीजें ले ली हैं। मैंने 1 चम्मच भुना हुआ जीरा ले लिया है, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। मैंने हम इन सबको एक मिक्सी जार में डाल लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा सेंधा नमक भी यूज कर रही हूँ। आप डालना चाहो तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको चर्न कर लेंगे। और मैंने अनारदाना चूर्ण बन गया है, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। आप इसे खाना खाने के बाद खाइए तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी चूर्ण से गोलियां भी बन जाती हैं। गोलियां बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस चाशनी बनानी होती है। चाशनी के बाद इस चूर्ण को डाल देना होता है और सख्त कर लेना होता है पूरी तरह से, तो गोलियां बन जाती हैं। इस तरह से आप एक अनार से कई काम ले सकते हैं। आप इसका जूस बनाइए, इसका चूर्ण बनाइए, इसकी गोली बनाइए, इसका छिलका भी वेस्ट नहीं होता, वो भी छोले में डालने के यूज होता है। तो एक अनार से हम कई यूज ले सकते हैं। जैसे एक अनार 100 बीमारी को भगाता है, इस तरह से उसके कई यूज ले सकते हैं हम। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।